इंडिया में बनने जा रहा है पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अभी दिसंबर 2024 से ऑपरेशनल भी हो जाएगा। यस, ये मेगा स्ट्रक्चर इतना ह्यूज होने वाला है कि चाइना के फिलहाल के बिगेस्ट एयरपोर्ट बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ दे। और इसका बजट कितना है जानते हो? अ व्हूपिंग 30,000 crores। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रेड चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है भाई, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है भारत में बन रहा है और वो इंडिया कैसे बना रहा है, इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और भाई ये वीडियो है गौरव ठाकुर का। तो गौरव ठाकुर कैसे वीडियो डिस्क्राइब करते हैं भाई, आप लोगों को पता है, उनको काफी लोग पसंद भी करते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है कि वीडियो पूरा फुल पसंद आएगा भाई। और भाई हमेशा की तरह पाकिस्तानी लोगों ने इस पर रिएक्शन दिया है, तो पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन इस पर क्या है वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे। और भाई ये पाकिस्तान है क्या, इसमें दुनिया के कई देश भी हैरान है कि भाई भारत इतना बड़ा एयरपोर्ट कैसे बना रहा है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। और भाई वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। अब इस पूरे डेवलपमेंट से सभी बहुत ही खुश हैं और खुश तो मैं भी हूं, लेकिन मुझे पर्सनली ना इसमें दो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। पहली बात, एशिया का बिगेस्ट और वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट ये एयरपोर्ट इंडिया के कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं बल्कि जेवर नाम के एक छोटे से गांव में बन रहा है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, ये मैप जरा देखो, ये नया एयरपोर्ट इंडिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट आईजीआई एयरपोर्ट से सिर्फ 72 किलोमीटर की ही दूरी पर बन रहा है। अब इतने पास पास दो इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स आखिर क्यों चाहिए भाई, एंड वो भी यूपी जैसे एक स्टेट में जहां पर ऑलरेडी 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन चुके हैं। सो एक स्टेट में 5-5 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की आखिर क्या जरूरत है, दैट टू 30,000 crore रुपीज खर्च करके। 30,000 crore, ये अमाउंट कितना होता है आपको पता है? एक मणिपुर जैसे पूरे स्टेट का टोटल बजट के बराबर है ये, और सिक्किम जैसे स्टेट के एनुअल बजट से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा। इतने सारे पैसे सरकार खर्च कर रही है सिर्फ एक एयरपोर्ट बनाने में, क्या गवर्नमेंट हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पैसों को बर्बाद कर रही है? वेल, मैं कहूंगा यूपी गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली वही जगह चुनी है एयरपोर्ट बनाने के लिए जिसके पीछे उन्होंने एक बड़ा सा मास्टर प्लान सेट करके रखा। So, आज की इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे इंडिया में बनने जा रहे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट की, एंड ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस एयरपोर्ट को स्पेशल बनाती है और वो मास्टर प्लान आखिर क्या है। क्या ये एयरपोर्ट यूपी को और इन टर्न हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकता है क्या? क्या ये एयरपोर्ट इंडिया को 2040 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनाने में हेल्प कर सकता है क्या? लेट्स डिस्कस इन आवर टुडेस वीडियो। So, November 25, 2021 को पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया जिसे 2.5 लाख लोगों ने अटेंड किया। इस एयरपोर्ट में ऐसा क्या है जो इसके अराउंड इतना हाइप क्रिएट हो रहा है? वेल, इसका मेन रीजन है ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जेवर एयरपोर्ट में इन्वॉल्वमेंट। October 7, 2020 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें जेवर एयरपोर्ट को बनाने की जिम्मेदारी दी गई स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच एयरपोर्ट को, जिसे यूरोप का बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। पिछले 20 सालों से ज्यूरिच एयरपोर्ट हैज बीन वोटेड एज द बेस्ट एयरपोर्ट बाय इंटरनेशनल यूजर्स, और इसीलिए जेवर एयरपोर्ट को भी वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए इन्हें ही चुना गया। इसमें कुछ यूनिक क्वालिटीज होने वाली है जो इस एयरपोर्ट को स्पेशल बनाएगी। पहले कि जेवर एयरपोर्ट में 6 रनवेज होंगे जो कि डेली 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को अकोमोडेट कर सकेंगे, एंड इफ वी कंपेयर टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो कि रियाद में है, उसमें भी 6 ही रनवे है आज के तारीख में। सो यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एयरपोर्ट एंड द हाइप इट विल क्रिएट इंटरनेशनली फॉर इंडिया। दूसरी चीज जो इसे स्पेशल बनाती है वो होगा इसके टर्मिनल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे टाटा ग्रुप जैसी ट्रस्टेड ब्रांड बना रही है, एंड इट विल बी अ मिक्स बिटवीन इंडियन एंड स्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। और इतना ही नहीं, दुनिया के उन चुनिंदा एयरपोर्ट्स में से ये एक होगा जहां पर कॉन्टैक्टलेस फैसिलिटीज मौजूद हो। आसान भाषा में अगर बोलूं तो ये एयरपोर्ट पूरी तरीके से डिजिटलाइज्ड और पेपरलेस होगा, जहां पर पैसेंजर्स को बोर्डिंग पास और टिकट जैसे चीजों के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और उनका ट्रैवल एकदम हैसल फ्री होगा। तीसरी चीज जो इस एयरपोर्ट को और भी स्पेशल बनाती है वो है कि जेवर एयरपोर्ट में इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट कार्गो फैसिलिटीज होगी, जहां पर पूरा का पूरा एक टर्मिनल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए डेडिकेटेड होगा। इन शॉर्ट, ये इंडिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टिंग हब बनेगा। So, अब अगला सवाल आता है कि इंडिया को आखिर इस एयरपोर्ट की जरूरत ही क्या है? इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इतना खर्चा करके इस एयरपोर्ट की हमें वाकई में जरूरत भी है क्या? एंड ऑल्सो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आईजीआई एयरपोर्ट महज 72 किलोमीटर की ही दूरी पर तो है, तो ये जेवर एयरपोर्ट स्पेसिफिकली कौन सा अलग पर्पस सर्व करने वाला है? तो देखो, जेवर एयरपोर्ट बनाने के पीछे का रीजन ना एक्चुअली में क्वाइट इंटुइटिव है। देखो, इंडिया में नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है ना वो
तेजी से बढ़ रहे हैं। भूलो मत, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, लोगों की स्पेंडिंग पावर भी बढ़ रही है। और जहां पर अब तक सिर्फ हैंडफुल परसेंटेज ऑफ लोग एयरप्लेन से ट्रैवल करते थे, अभी ये संख्या रैपिडली ग्रो हो रही है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया में एयर पैसेंजर्स की संख्या लास्ट ईयर से 8.34% बढ़कर 15.2 करोड़ हो गई है। और इसी बढ़ते पैसेंजर्स की प्रॉब्लम को पहले से ही भाप कर इसे काउंटर करने के लिए वी नीड मोर एयरपोर्ट्स एंड बिगर वंस। अब कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजंस हैं जिसके वजह से सिर्फ जेवर को ही चुना गया एयरपोर्ट बनाने के लिए। नंबर वन, डीकंजेशन ऑफ IGI एयरपोर्ट। पहला और मेन रीजन है IGI एयरपोर्ट का लोड कम करना। We all know कि IGI इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और बढ़ते ट्रैफिक के साथ वहां पर कंजेशन भी बढ़ रहा है एंड द एयरपोर्ट इज एक्चुअली रीचिंग इट्स लिमिट। इन फैक्ट लास्ट ईयर 2023-2024 में ऑलमोस्ट 7.2 करोड़ लोगों ने IGI एयरपोर्ट से ट्रैवल किया, जो कि लास्ट ईयर से 21% ज्यादा है। ड्यूरिंग पीक आवर्स एयरपोर्ट में कंजेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि लोगों को IGI एयरपोर्ट में एंट्री लेने तक के लिए 30-30 मिनट का वेट करना पड़ता है एंड इवन आए दिन हम फ्लाइट डिलेज की न्यूज सुनते ही रहते हैं। सो हैविंग एन एयरपोर्ट nearby IGI airport will solve this problem. Reason number two, blessing for West UP. Western UP के 7.2 crore population के लिए ये airport connectivity बढ़ाएगा, जिसके वजह से बहुत सारी बड़ी cities जैसे आगरा, मीरठ, अलीगढ़, मथुरा और वृंदावन को एक international airport की connectivity मिल जाएगी। But अब यहाँ पर एक अगला सवाल ये आ जाता है कि UP में तो already 4 बड़े international airport है, तो फिफ्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्या जरूरत है? यूपी का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ एयरपोर्ट यहां पर है और अगर हम बाकी के 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को देखें, जो है वाराणसी एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट और कुशीनगर एयरपोर्ट, सो ये सारे एयरपोर्ट्स यूपी के ईस्ट साइड को कवर करते हैं। बट What about West UP? यहाँ की population सिर्फ IGI एयरपोर्ट के भरोसे छोड़ दी जाए? Well, ऐसे ही तो चल रहा था अब तक। ये IGI एयरपोर्ट रिलेटिवली कितना दूर है? चलो इस इनकन्वीनियंस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोजेडली आप अलीगढ़ में रहते हो और आपको किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए मुंबई जाना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन लखनऊ एयरपोर्ट, जो की 5.5 घंटे दूर है आपके घर से, और दूसरा दिल्ली का IGI एयरपोर्ट, जो की 3.5 घंटे की दूरी पर है। और यहाँ तो दिल्ली के ट्रैफिक से भी गुजरना होगा, जो सबको मालूम है कितना भयानक हो सकता है। बट जेवर में एयरपोर्ट बनने से अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अलीगढ़ की जेवर एयरपोर्ट से दूरी सिर्फ 1.5 घंटे की होगी, जो कि पहले नियरेस्ट एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट से 3.5 घंटे की थी। और फिर अगर हम देखें जेवर से मुंबई की फ्लाइट, तो उसका भी टाइम होगा सिर्फ 2 घंटे। इन शॉर्ट, जितना टाइम पहले अलीगढ़ से दिल्ली जाने में लगता था, इस एयरपोर्ट की वजह से उतने ही टाइम में अलीगढ़ से मुंबई आप पहुंच जाओगे। और इस एयरपोर्ट से बाय द वे सिर्फ वेस्ट यूपी नहीं बल्कि हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जैसे एरियाज को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। नंबर 3, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ जेवर। सो जेवर एक गांव है, आखिर एक गांव को क्यों चुना गया मेट्रोपॉलिटन सिटी के जगह पर? देखो, एक एयरपोर्ट को बनाने के लिए ना 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहला कनेक्टिविटी और दूसरा अ लॉट ऑफ फ्री स्पेस, एंड जेवर के पास दोनों भी है। गांव होने की वजह से जेवर के आसपास बहुत सारी स्पेस खाली है, जो इतने बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए नीडेड है। इसके ऊपर एक और एक रीजन है जो जेवर को एक एडेड बेनिफिट देता है, वो है उसकी लोकेशन। जेवर यूपी, दिल्ली और हरियाणा के एकदम बॉर्डर के पास लोकेटेड है, जिससे जेवर की तीनों स्टेट से अच्छी कनेक्टिविटी है। और यही यूनिक लोकेशन जेवर को इस एयरपोर्ट के लिए आइडियल बनाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जेवर एयरपोर्ट दादरी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब से भी सिर्फ 90 किलोमीटर की ही दूरी पर है। अब ये बेनिफिट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिससे इंडिया में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब्स बनाए जाएंगे और वो इंडिया के सारे मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्टेड होंगे। सो दिस विल डेफिनेटली बेनिफिट आर इंडस्ट्रीज एज वेल। और यही रीजन भी है कि जेवर एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के टाइम पर PM मोदी ने इसे लॉजिस्टिक गेटवे ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बोला था। देखो, अगर सिंपल टर्म्स में बोले तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब्स वो होंगे जहां पर एक पर्टिकुलर एरिया के गुड्स की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन होगी। और जैसे कि हमने पहले जाना, जेवर एयरपोर्ट में इंडिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब होगा, जिसके थ्रू यूपी में उगने वाले शुगर केन्स और बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड इजिली एक्सपोर्ट किया जा सकेगा।
ये इनिशिएटिव यूपी गवर्नमेंट के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के साथ भी हैंड इन हैंड जाएगा और मेक श्योर करेगा कि यूपी के अलग अलग राज्य संपन्न बन सके। इससे यूपी बेसिकली डायरेक्टली वर्ल्ड वाइड सप्लाई चेन का एक हिस्सा बन जाएगा, जिसका बेनिफिट यूपी के हर छोटे छोटे किसान को भी मिलेगा। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट इंडिया के मेजर हाईवे से भी कनेक्टेड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यमुना एक्सप्रेस वे हाईवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जो इसे इजिली एक्सेसिबल बनाता है। अब बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मुद्दे की, इस एयरपोर्ट के आने से इंडिया और इंडियंस को बेनिफिट क्या मिलेगा आखिर। सो नंबर वन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो अभी रिसेंटली हुए इलेक्शंस में हम सभी ने देखा कि यूपी में बीजेपी के इतने पुअर परफॉर्मेंस के पीछे एक मेजर रीजन था वहां की अनएम्प्लॉयमेंट भी। और एग्जैक्टली इसी टॉपिक पर कि क्यों अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद बीजेपी का परफॉर्मेंस इतना खराब था, इस पर हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस वाला वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जो आप इस वीडियो के बाद यहां पर लेफ्ट साइड पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। इसमें हमने आना था कि अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर रीजन था और उसी के तरफ एक सोल्यूशन है ये जेवर एयरपोर्ट। अकॉर्डिंग टू फॉर्मर सिविल मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जेवर एयरपोर्ट की वजह से 1,00,000 जॉब्स क्रिएट होंगे, जो कि डेफिनेटली आसपास के यूथ के लिए एक ब्लेसिंग साबित होगा। इन टर्म्स ऑफ जस्ट एम्प्लॉयमेंट वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट ओवर 1,00,000 पीपल एम्प्लॉयड इन दिस पर्टिकुलर एयरपोर्ट, द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर। सेकेंडली, इट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज टू यूपी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने फरवरी 2023 में ग्लोबल उत्तर प्रदेश समिट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें उनका मेन मोटिव था कि इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी में इन्वेस्ट करें, एंड टू बी ऑनेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हुए भी। लेकिन जेवर एयरपोर्ट पोटेंशियली और भी इंडस्ट्रियलिस्ट और एमएनसीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए। ऑफिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से जेवर एयरपोर्ट की वजह से यूपी में 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो कि यूपी की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करेगा। और इसके अलावा ये भी हम सभी को पता है कि सीएम योगी बहुत समय से यूपी में एक पैरेलल फिल्म इंडस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बॉलीवुड को टक्कर दे पाएगा और जिसके लिए वो फिल्म मेकर्स को 2 करोड़ की हैवी सब्सिडीज तक प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अब तक ड्यू टू लेस कनेक्टिविटी फिल्म मेकर्स वर नॉट शोइंग दैट मच इंटरेस्ट, बट अब नोएडा फिल्म सिटी की एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की दूरी की वजह से बहुत सारे फिल्म मेकर्स यूपी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट, इट विल रिवाइव ग्रेटर नोएडाज रियल एस्टेट। काफी कम लोग ये जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा में एक्चुअली में बहुत सारी घोस्ट कॉलोनीज बन चुकी है। अब घोस्ट कॉलोनीज का मतलब होता है बेसिकली बिल्डर्स ने न्यू फ्लैट्स तो बना लिए लेकिन वो खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा हमेशा से सेपरेटेड सा था बाकी के एनसीआर रीजन से, जिसके वजह से वहां पर एमेनिटीज लाइक मॉल्स एंड होटल्स की काफी कमी थी। लेकिन एयरपोर्ट के आ जाने से ग्रेटर नोएडा का रियल एस्टेट रिवाइव हो जाएगा और इसके साथ ही आसपास के एरियाज में भी रियल एस्टेट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होने लगेंगे। और इसका असर एक्चुअली में अभी भी देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट भर से ही आसपास के एरियाज, स्पेसिफिकली नोएडा सेक्टर 28 में होटल बनाने के लिए बिल्डर्स में कंपटीशन स्टार्ट हो गए। बेनिफिट नंबर 4, रेलवे एंड मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर। अनदर पॉजिटिव डेवलपमेंट जो जेवर एयरपोर्ट की वजह से होगा, इट विल ब्रिंग न्यू रेलवे एंड मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर। NIAL यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जेवर एयरपोर्ट को NCR की सिटीज से जोड़ने के लिए 61 किलोमीटर लंबी एक रेलवे स्ट्रेच बना रही है, जो कि बुलंदशहर के चोला स्टेशन से शुरू होकर हरियाणा की रुंडी स्टेशन के दिल्ली मुंबई लाइन में कनेक्ट होगा। इतना ही नहीं, गाजियाबाद से एयरपोर्ट तक एक 25 स्टेशन का मेट्रो स्ट्रेच भी बनाया जा रहा है, दैट विल कनेक्ट द सराउंडिंग सिटीज टू द एयरपोर्ट। और ये तो हमने हमेशा देखा ही है ना कि एक एयरपोर्ट या एक रेलवे लाइन भी क्यों ना आ जाए, आसपास के एरियाज अपने आप डेवलप हो ही जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट, इट विल बूस्ट टूरिज्म इन यूपी। हमने अक्सर सुना है कि अयोध्या में श्री राम और मथुरा वृंदावन में कृष्ण भगवान विराजते हैं, सो टूरिज्म के लिए भी अपनी लोकेशन की वजह से अयोध्या एयरपोर्ट की ही तरह जेवर एयरपोर्ट मथुरा वृंदावन को पूरे भारत से कनेक्ट कर देगा, जो कि जेवर एयरपोर्ट से सिर्फ 1 घंटे की ही दूरी पर होगा, जिसके वजह से यूपी में रिलीजियस टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। मथुरा वृंदावन के साथ साथ जेवर एयरपोर्ट 7 वंडर्स में से ताजमहल को भी पूरी दुनिया से कनेक्ट कर देगा, मेकिंग टूरिज्म मोर एक्सेसिबल इवन इन आगरा। सो डेफिनेटली ये सारे एक्सपेक्टेशन है जेवर एयरपोर्ट से। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एयरपोर्ट इंडिया में इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकता है? अगर स्ट्रिक्टली हम फाइनेंसेस और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्या स्पेंडिंग 30,000 करोड़ ऑन दिस एयरपोर्ट इज वर्थ इट? और अगर ये एयरपोर्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाएगा तो आखिर कितना समय लगेगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल या 25 साल? नीचे कॉमेंट्स में मुझे बताना अपना ओपिनियन। बट एक बात तो फॉर श्योर है कि इंडिया डेफिनेटली नीड्स टू लेवल अप, क्योंकि हाल ही में अगर आप करंट जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स देखोगे तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, और ऐसे में
इंडिया का सो कॉल्ड ally यूएसए इंडिया को सुपर पावर या अपने आप में एक पोल बनने से रोकने के लिए हमारे साथ एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। यूएसए इंडिया के ठीक बगल में एक नया क्रिश्चियन देश खड़ा करने जा रहा है जिससे हमें काफी नुकसान पहुंच सकता है। इवन हमारा मणिपुर इशू भी इसी क्रिश्चियन देश के जन्म से लिंक्ड है। मैंने इस इशू को काफी डिटेल में कवर किया है जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। आई हाईली सजेस्ट यू शुड चेक आउट दिस वीडियो। पहले तो न्यूज है कि हालांकि इंडिया इंडिया उसका अलायंस है यूएसए का, बट यूएसए फिर किसी को नहीं छोड़ता। बिल्कुल ऐसा ही है, देखा वो मतलब कहते हैं उसकी दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। खैर बैक टू द वीडियो, मेन टॉपिक की तरफ आए जाए तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जिसमें स्टार्ट में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी उठाए कि अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है। बाकी जब उन्होंने क्वेश्चंस उठाए ना तो मेरे भी माइंड में आया कि यार फिर उनको जो है वो एक्सप्लेन करते गए कि इस एयरपोर्ट के आने से और जिस जगह पे जो है वो कोई विलेज वाला एरिया वहां पे आने से क्या क्या जो है वो बेनिफिट्स होंगे और फिर खुद जो है स्पेसिफिकली इस एयरपोर्ट के जो है क्या बेनिफिट्स हैं और ये वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट और एशिया का फर्स्ट बिगेस्ट एयरपोर्ट होने वाला है। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट एयरपोर्ट वो रियाद में सऊदी अरब और उसके वो छे रन में जो इस एयरपोर्ट में भी छे रन में बना रहे हैं फुली डिजिटल सारा है ना। 30,000 की टीम है सारी करोड़ इतनी हमारा कर्जा वाकई। और उसके अलावा भी वो जो कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अलग से सेक्शन बना रहे हैं सारा कुछ। अब वो जो होती ना वो एयर ट्रांसपोर्ट मतलब उधर वो एक बनाएंगे पूरा तो उधर से वो एक्सपोर्ट करेंगे जैसे और वो सारा कुछ जिस तरह से इन्होंने अटैच किया साथ के वाकई इस एक एयरपोर्ट की वजह से इर्द गिर्द का सारा और कितने सारे जो हैं वो रास्ते खुलेंगे। बिल्कुल ऐसा है जॉब्स भी उन्होंने बताई 1 लाख जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगे। जाहिर बात उन्होंने बताया नहीं था जब एयरपोर्ट या आपकी जो ट्रेन वगैरह चलती है तो उसके जो आसपास का जो एरिया ना वो भी डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा है। इंटरेस्टिंग सर ने इन्फॉर्मेशन दी है और एक सबसे पहले तो देखा जाए तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है कि एयरपोर्ट पर 30,000 करोड़ रुपया एक लगाया जा रहा है कि यार एक जब बनकर एक रेडी होगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक एयरपोर्ट बन रहा होता है या ऐसी एक प्लानिंग की जा रही होती है ना उसके पीछे एक बहुत सारी एक रीज़न होते हैं या उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं जिसकी वजह से वो एक 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 इतना ज़्यादा एक फ़ायदेमंद एक साबित होता है। और अब देख ले कि एक जो भी एक इर्द गिर्द एक बहुत सारी एक ऐसे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं जिसकी वजह से एक लोग इधर अट्रैक्ट नहीं होते लेकिन जब ये एयरपोर्ट बनेगा तो बहुत सारी जो एक वर्ल्ड से इन्वेस्टमेंट आएगी या यूपी में एक पहले ही बहुत ज़्यादा एक इन्वेस्टमेंट आ रही है और उसका एक और ज्यादा बढ़ जाएगी जब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। बस इन्वेस्टमेंट ना भी आए तो उसका इतना एक इशू नहीं क्योंकि एक इंडिया में खुद इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं अगर वो इन्वेस्टमेंट करें तो एक बार की इन्वेस्टमेंट कोई नहीं मतलब कि एक पॉइंट के वो आए तो हर चीज एक ठीक हो जाती है लेकिन एयरपोर्ट बनाना और उस पर एक वर्किंग करना ये सबसे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट है ना चाहे उसमें एक बुलेट ट्रेन आप ले लें वो एक बहुत बड़ा अब एक फ्यूचर में आने उसके पीछे भी रीजन था हर चीज के पीछे एक रीजन था। एक और बात पता है जो इसके आसपास के जितने भी इलाके जितने मैं कहता हूँ 100 किलोमीटर का एरिया कवर कर लो 100 किलोमीटर के अंदर अंदर सिर्फ प्रॉपर्टी के रेट देखना कैसे वो देखी और इसके अंदर हम लोगों ने देखा किस तरह से जो है वो एयरपोर्ट बनने को जा रहा है और एक बहुत ही छोटे से गांव के अंदर एयरपोर्ट बनेगा जिसकी वजह से उधर की टूरिज्म और फिर शुगर कैन और डिफरेंट जो वहां पर खेती बाड़ी लोग करते हैं वहां का जो मतलब ऑर्गेनिक चीजें हैं वो बाहर जो है वो भेजी जाएंगी। इस तरह से जो है वो उनकी ट्रेड के अंदर जो है वो काफी ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट आएगी और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी बेहतर है उसको वो बेहतर कर रहे हैं। बहुत ही कमाल की बहुत ही फैंटास्टिक किस्म की वीडियो थी और मैं तो अच्छा बड़ी डिटेल्ड उन्होंने पूरे वीडियो बनाया इस एयरपोर्ट के बारे में बिल्कुल एक एक चीज उसकी ये देख के कि उसके पास ये होगा और ये डेवलपमेंट होगी तो इस तरह बाकी ये चीज तो है कि काफी मेहनत से बनाई नॉलेज लेके उन्होंने अच्छा 78 किलोमीटर दूर होने के बावजूद एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बिजी बहुत करते तो लड़ाई होती है आए दिन तो बिजी होने की वजह एक चीज ये है कि आप वहाँ पे
जब जाओगे तो आपको उतनी देर में जो दूसरे इलाकों वाले हैं वो वहां से आके सारे 3 घंटे वो कह रहे हैं, और इधर से आपको 1.5 घंटे में 2 घंटे में आप मुंबई पहुंच जाओगे, मतलब उतनी देर में आप उस एयरपोर्ट पे जा रहे हो और उतनी देर में आप मुंबई पहुंच रहे हो। अलीगढ़ से मतलब वो हर बंदा इसी डेफिनेटली इसी तरफ ही जाएगा, और वैसे भी ये एशिया का बिगेस्ट। इतना इतना पैसा अगर लग रहा है तो जाहिर है कि ऐसे फजूल में तो नहीं लग रहा, फजूल में तो नहीं लग रहा ना वो, मतलब कुछ सोच समझ के हर चीज को मद्देनजर रख के जरूरियात को देखकर कि जरूरत है वहां पे तो वो बना रहे हैं ना। और इससे यूपी में कुछ ना कुछ मतलब हो सकता है कि इससे कमबैक भी करे। अनएम्प्लॉयमेंट थी और इस पे आपने देखे कि उन्होंने कहा कि 1 लाख तक, मतलब सबसे बड़ी बात ये कि एम्प्लॉयमेंट आएगी ना वहां पे, 1 लाख एम्प्लॉयमेंट आएगी। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, और भाई आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भाई जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है उसके बारे में बहुत सारा फैक्ट इन्होंने बताया, तो उससे क्या बेनिफिट होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। और भाई वहाँ एनसीआर रीजन में सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, अभी सारा ट्रैफिक वही कंट्रोल कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारा मतलब ट्रैफिक हो जाता है, और क्योंकि वहीं यहाँ पे दिल्ली में एक एयरपोर्ट है जहाँ पे भाई आईजीआई वाला जो वहाँ से काफ़ी लोग काफ़ी सारी फ्लाइटें हैं वहाँ पे, जबकि वहाँ पे इतने मेरे ख्याल से 2 ही रनवे हैं तो वो इतना मैनेज नहीं हो पाता, तो वहाँ लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ता है आने जाने के लिए। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोल रहे हैं भाई 72 किलोमीटर है वहाँ से, तो मेरे ख्याल से आधी ट्रैफिक वहाँ डाइवर्ट कर देंगे वो बाद में। और भाई यूपी के जो मेन एरियाज़ हैं वहाँ पे भी उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, प्लस एम्प्लॉयमेंट है, और भाई अमाउंट काफ़ी बड़ी अमाउंट में एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो भाई रह गई अमेरिका की बात, तो अमेरिका को बोल रहे थे कि इंडिया का एलआई है, तो एलआई तो भाई वो पूरी दुनिया में किसी का नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी पड़ोस में कंट्री वो बोल रहे थे कि अमेरिका वहाँ पे बसाने की कोशिश कर रहा है, तो वो भाई नाम नहीं बताया उन्होंने, और मेरे को भी इसके बारे में आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों को पता होगा भाई तो कमेंट में जरूर लिखना, और साथ में भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।